जू राम न चाहे तू नचो जी, 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 जू राम न चाहे तू ज्यों राम न चाहे त्यों नचो जी, 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 जो राम न चाहे तो 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 ज्यों राम न चाहे तू नचो जी, 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 ज्यों राम न चाहे तू नचो जी। धन्यवाद दिव्यो कुछ बात स्वामी जी महाराज ने वंदा विरागी का प्रसंग लिया है, यही स्पष्ट हुआ ना साधक सुनो, जिसने अपने जीवन में सत्संग का आश्रय लिया, सिमरन का आश्रय लिया, सदाचारी जीवन का आश्रय लिया, परमेश्वर ने उसे वंदनीय बना दिया। लक्ष्मणदास नामक व्यक्ति, बाद में माधुदास, वंदा, वंदा वैरागी नाम पड़ गया, वंदनीय बना दिया परमात्मा ने। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया, छोटी छोटी बातों में उलझा नहीं, छोटी छोटी बातों को लेके अपनी जिंदगी को बिगाड़ा नहीं, कभी डिप्रेशन में नहीं गया, कभी जीवन में क्रोध नहीं आया, अपने कर्तव्यों का पालन किया है, परमेश्वर के सहारे जीवन व्यतीत किया है। सत्संग यही तो सिखाता है। सत्संग की मुख्य सीख यही है, राम राम जपते जाओ, अपना काम करते जाओ, स्वामी जी महाराज की शिक्षा ही यही है, अपना काम करते जाओ, कर्तव्य कर्म निभाते जाओ ईमानदारी से, सदाचारी नहीं छोड़नी, सदाचरण नहीं छोड़ना, नहीं तो निंदनीय बन जाओगे। वंदनीय बनना चाहते हो तो जीवन सदाचारी ही होना चाहिए, तो परमात्मा आपको, आपके जीवन को वंदनीय अनुकरणीय बना देगा। कभी सोचना नहीं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी इसका अंत किस प्रकार का हुआ, कैसे शाही सेना ने दिल्ली में उसे चमटों के साथ नोचा है, उसके शरीर को किस प्रकार की यातनाएं दी है। मत सोचना कभी कि परमेश्वर ने इसके साथ न्याय नहीं किया, नहीं, परमेश्वर ने बिल्कुल न्याय किया है। आज इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भक्त प्रकाश जैसे प्रसंग में वंदा वैरागी का नाम लिया है। जगह जगह पर स्वामी जी महाराज ने इसे साधु कहा है,
जगह जगह पर इसको संत कहा है। शूरवीर तो था ही था, पर सिमरन ने और सुंदर जीवन ने स्वामी जी महाराज द्वारा इसे साधु एवं संत की उपाधि दिलवा दी। मत सोचिएगा कि सिर्फ स्वामी जी महाराज ने अपनी तरफ से दिया होगा, नहीं, ये संबोधन परमात्मा की तरफ से मिला होगा तो स्वामी जी महाराज ने दिया है। परमात्मा ने इसका साधुत्व स्वीकार किया, इसकी संताई को स्वीकार किया, एक लड़ने वाला होने के बावजूद भी, युद्ध करने वाला व्यक्ति है, राजपूत है, परमेश्वर ने किस मंच पर लाके खड़ा कर दिया, उच्चतम मंच, संत का मंच, साधु का मंच, सर्वश्रेष्ठ डिग्री, जिंदगी की उच्चतम डिग्री प्राप्त कर ली लक्ष्मण दास ने। अपने गुरु से भी कहीं आगे निकल गए। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इनका संपर्क हुआ, बड़ी घनिष्ठता हो गई। दोनों ने मिलकर तो अनेक युद्ध किए हैं, जगह जगह जहां जहां भी युद्ध की जरूरत थी, लड़ाई की जरूरत थी, वहां वहां इन्होंने युद्ध किया, सफलताएं भी मिली। और फिर अपने ही लोगों में फूट के कारण, उनकी ईर्ष्या इत्यादि के कारण बंदा वेरा की पकड़ी भी गई। कभी की बात है, साधक सुनो, गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा, बंदा तेरा गुरु कहां है? सच्चे पातशाह, इस वक्त तो वे वैकुंठ में होंगे। गुरु महाराज के मुख पर एक अद्भुत सी मुस्कान थी, व्यंगात्मक मुस्कान, सही मुस्कान नहीं थी, सरकास्टिक मुस्कान। वंदा ने पूछा, महाराज क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? यूं ही? नहीं महाराज, कुछ मेरे से छुपा रहे हैं, अब सही सही बताइएगा, क्या बात है? अरे वंदा, तेरा गुरु इस आश्रम से कहीं बाहर गया ही नहीं, उसे मरे हुए तो बहुत वर्ष हो गए, ऐसी आश्रम में ही है। कहा, महाराज कभी दिखाई तो नहीं दिए? मुझे तो ऐसा विदित नहीं है कि वे यहां हैं। अरे यही हैं, बेल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कहा, वो फल तोड़, इसे नीचे ला, काट, काटा, उसमें से एक कीड़ा निकला। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, यही तेरा गुरु। पूछा, महाराज क्या कह रहे हैं आप, मेरे गुरु महाराज का अपमान कर रहे हैं? अरे नहीं, ठीक कह रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ इनके साथ? इन्हीं से पूछ। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, इन्हीं से पूछ, ऐसी हालत क्यों हुई? पूछा, गुरु महाराज इस दुर्गति को कैसे प्राप्त हुए आप? बंदा के गुरु महाराज, मैंने आपसे नामदान लिया हुआ है, आपकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई, क्या हुआ है? कहा, माधुदास, उस वक्त अभी बंदा नहीं बना होगा, माधुदास होगा। कहा, माधुदास, इसी पेड़ के नीचे मेरी मृत्यु हुई, मृत्यु के वक्त
मेरी दृष्टि इस पेड़ के फल पर चली गई, इस सीजन का फल नहीं खाया। तब से लेके आज तक बार बार मुझे परमात्मा यही योनि दे रहे हैं, कीड़े की योनि, रज्जु के फल खा। एक बार मरता हूं फिर परमात्मा मुझे फल में डाल देते हैं, फिर मरता हूं फिर फल में डाल देते हैं। कैसी खतरनाक चीज है देवियों सज्जनों ये आसक्ति। स्वामी जी महाराज का उपकार देखो, जो आप सबसे हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, छोटो छोड़ो इन बमूली बमूली छोटी छोटी बातों को, तुच्छ बातों को, देखो क्या हशर हुआ है इस गुरु का, जिसकी आसक्ति परमात्मा से टूट गई तो उस फल के प्रति आसक्त हुआ तो परमात्मा ने अनेक योनियां इसी काम में व्यतीत कर दी। ले जितना मर्जी फल खा। मधुदास, इन गुरु महाराज से कहो मेरी सदगति करवाएं। मेरा प्रारब्ध कुछ ऐसा ही लिखा होगा कि दुर्गति होगी और उसके बाद ये सदगुरु महाराज द्वारा तेरा कल्याण होगा। चाहते हो साधक जनों के अंत समय मुख से राम राम निकले तो जिंदगी भर आपको राम राम जपना होगा। इस वक्त आप किसी एक चीज को लेके ऐसे बैठ जाते हो, उसे ऐसे दिल पर लगा लेते हो जैसे कि सब कुछ संसार का यही है। अगर इसी वक्त मृत्यु हो गई तो सोचो सारा कि एक किराए पर पानी फिर जाएगा। पार्थ, जो अंत समय मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है निस्संदेह मुझे प्राप्त करता है। मानो अंत समय का सोच, अंत समय की सोच, अंत समय का जो दृश्य आपके सामने होता है उसी दृश्य को आप प्राप्त होते हैं। जैसे एक फोटोग्राफर की दुकान पर व्यक्ति फोटो खिंचवाने के लिए जाता है, फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, मानो हंसोगे तो फोटो हंसी की आएगी, सीरियस मुख रखोगे तो सीरियस मुख की फोटो आएगी, रोता हुआ मुख बनाओगे तो रोते हुए मुख की फोटो आएगी। बहुत सुंदर उदाहरण। इसी प्रकार से ही सत्य है, हमारा अगला जन्म किस पर निर्भर करता है, आपकी अंत समय हालत क्या थी। अंत समय तभी मुख से राम राम जपा जाएगा यदि जिंदगी भर छोटी छोटी बातों में आप उलझे नहीं, छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, बेईमानी नहीं करी, हेरा फेरी नहीं करी, अन्याय इत्यादि नहीं किया, बहुत पवित्र जीवन, सदाचारी जीवन व्यतीत किया है, तो साधक जनों तब परमात्मा कृपा करेगा तो अंत समय मुख से राम निकलेगा तो आपकी सदगति होगी, आप राम को प्राप्त होगे। बंदे को परमात्मा ने सत्संगति से, सिमरन से, सेवा से, सेवा अर्थात सदाचारी जीवन, सदाचरण से वंदनीय बना दिया। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए। धन्यवाद।